A very very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of E-Tuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our E-Tuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our E-Tuition family. So my dear class 9 students, today we are at the part 3 of our lesson Natural Resources. And in today's part, we will be discussing about different types of cycles in our environment. Those are called as biogeochemical cycles. So let us see what are these cycles and what happens if they get imbalanced and how they help us. Okay, so let's get started. So let us discuss what are the points we are going to read about. We will be reading about biogeochemical cycle, what is water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle, oxygen cycle, and what is greenhouse effect and how it is affecting the ozone layer, right? So basically in today's part, we will be discussing what are the different types of changes, what are the different types of mechanism taking place in our earth, okay? Yes. So first comes, what is biogeochemical cycle, okay? So the transfer of matter and energy between the biotic and abiotic components of the biosphere takes place constantly and thus make the ecosystem dynamic but stable. देखिए constantly हमारी earth के environment में है ना बहुत सारे components से कुछ biotic factors से कुछ abiotic factors से तो इनके transfer होते हैं एक place से एक biosphere से दूसरे biosphere तक एक जगह से दूसरी जगह तक constantly क्या it is transferring. ओके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर देयर तो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में उनका ट्रांसफर होना दैट इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकल्स. ओके सो दिस ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस साइकल्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, राइट? सो फर्स्ट साइकिल इज वाटर साइकिल. देखिए वाटर साइकिल क्या है, हमने अभी बोला कि डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच से ये क्या होगी, ट्रांसफर होगी. तो वाटर कहाँ कहाँ से ट्रांसफर हो सकती है, राइट? सो फर्स्ट वी नो दैट द सोर्सेज ऑफ वाटर ना सोर्सेज से जाएगी तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक सीज, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, तो वहाँ से पानी जाएगी कहाँ पे, इवापोरेशन हो जाएगी और एटमोसफियर में जाएगी, ठीक है? सो एटमोसफियर में जब इवापोरेट होके जाएगी तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है एंड दे विल मेक अप क्लाउड्स, राइट? फिर क्लाउड होने के बाद दे विल बी कंडेंस्ड, वो ठंडे होंगे. आफ्टर दैट they will be get precipitated, they will get precipitated किसके फॉर्म में, थ्रू रेन, रेन के थ्रू में वो प्रेसिपिट होंगे, फिर वो कलेक्ट हो जाएंगे वाटर बॉडीज में. तो मेनली फोर प्रोसेस इज देयर, इवापोरेशन, येस, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, देन कलेक्शन. अंडरस्टूड? येस. सो द एंटायर मेथड वेर इन वाटर इवापोरेट्स एंड फॉल्स एट लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लो अगेन इन टू द ओशन. तो देखिए जहाँ से गया वो वहाँ पर आगे पहुँचा या नहीं, सो ट्रांसफर हो रहा है ना, पॉन्ड से, लेक से ट्रांसफर हुआ एटमोसफियर में, पूरे एटमोसफियर में वापस आया वही पॉन्ड में. सो ये जो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस ये एक साइकिल की तरह चल जाए, इट इज़ ए कंटिन्यूस साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर साइकिल. ओके सो वाटर जो है हमारे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, राइट? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे और सब्सटेंसेस को इट कैन डिसॉल्व, राइट? तो आपको पता है कि वाई द सी वाटर इज सॉल्टी इन टेस्ट, बिकॉज सी का पानी कहाँ से आता है, मोशन से सब पानी कहाँ से आता है, फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, राइट? सो रिवर से जो पानी आता है ना, तो रिवर इज अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर, तो वहाँ से जब आता है तो रॉक और सॉयल से इट यूज टू वाइप अप ऑल द सॉल्ट्स एंड मिनरल्स है. तो वही सॉल्ट और मिनरल जमा हो के क्या होते हैं, तब सी वाटर बिकम सॉल्टी, राइट? सो व्हाट आर द प्रोसेस, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, प्रेसिपिटेशन. ओके नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल. वी नो दैट नाइट्रोजन इन आवर एनवायरनमेंट दे आर इन वो क्या है, बहुत सारे अमाउंट में है ना, तो फिर क्या होता है, लेकिन वो नाइट्रोजन को कैन द प्लांट टेक, वो डायरेक्टली एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन दे कैन नॉट टेक. तो विद द हेल्प ऑफ सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू डिफरेंट डेरिवेटिव्स, उसको प्लांट ले सकता है, राइट? सो द नाइट्रोजन साइकिल इज द मेथड थ्रू विच नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड एमोंग इट्स डाइवर्स केमिकल फॉर्म्स, अलग अलग केमिकल फॉर्म्स की मदद से वो क्या होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में वो स्टेबल रहता है. तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, सॉयल से,
द प्रोसेस उसमें क्या क्या होता है, पहला आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो कौन करता है, हमारे बैक्टीरियाज, है ना। फिर नाइट्रिफिकेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, देन एमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इसके बारे में हम लॉट ऑफ डिटेल्स विल बी डिस्कसिंग। तो नाइट्रोजन क्या है, 78% ऑफ आवर एटमोसफियर इज कवर्ड बाई नाइट्रोजन, राइट। और क्या है कि जो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है ना एनवायरनमेंट में, ये पूरे नाइट्रोजन साइकिल के मदद से ये मेंटेन रहता है, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल जो है वो डायरेक्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सर कुछ हैं जो इनको हेल्प करेंगे नाइट्रोजन टेकअप के लिए। तो ये नाइट्रोजन जो, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया हुए, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेंगे, उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देंगे, ठीक है। तो फिर उसी प्लांट को क्या, अमोनिया की तरह प्लांट ले लेगा अपने पास, फिर उसी प्लांट को जब हम खाते हैं हमें नाइट्रोजन मिलता है। अंडरस्टूड और नॉट, या सो जैसे कि लाइटनिंग होता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लाइटनिंग होने से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये क्या है, तो इसी तरह देखिए, नाइट्रोजन एक तरफ फिक्सेशन हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या करें, डीनाइट्रिफिकेशन, प्लांट्स कन्वर्ट ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करती हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, एमोनिफिकेशन, यानी कि नाइट्रोजन से एमोनिया बनाना, एमिनो एसिड्स बनाना, इसे क्या बोला जाता है, एमोनिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो उसमें क्या किया जाता है, एमोनिया है ना, एमोनिया को ट्रांसफर किया जाता है क्या, नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए। अंडरस्टूड, तो ये है डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन साइकिल। हमारे बॉडी क्या है, कार्बन से तो बनी है, तो सारे जितने भी शेप जैसे कि डायमंड्स, ग्रेफाइट, इनमें क्या है, कार्बन ही है। तो कार्बन साइकिल बींग ऑफ इवॉल्व इन प्लांट, ज़्यादा क्या है, प्लांट्स की तरफ से, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करती हैं, दे यूज टू गिव आउट ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती हैं और उससे खाना बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, जिसमें कार्बन होता है ना। तो क्या क्या होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, देन रेस्पिरेशन, हम वी यूज टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है डीकम्पोजिशन, है ना, फिर आता है कंबसन। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली जितने भी लिविंग मैटर्स हैं, ठीक है ना, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है हमारे, उससे क्या, रेस्पिरेशन की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर पाते हैं, जैसे कि बर्निंग की वजह से, हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल्स, ये सारे जितने भी आप जला रहे हैं कोई भी सामान, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर अस। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमें, फोटोसिंथेसिस के टाइम में हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो पर्टिकुलरली किस में हेल्प करता है ये, कंबसन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या है, एनवायरनमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में हेल्प करता है, जो कि है हमारे रेस्पिरेशन में, और कहाँ से आता है, वो फोटोसिंथेसिस की वजह से, राइट। फिर आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये होता क्या है कि देखिए, सनलाइट हमारे अर्थ को पहुंचती तो है, लेकिन हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा एक लेयर बनाएगी जिससे अर्थ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ से एस्केप करने नहीं देगी। अर्थ को गर्म रखने की कैपेसिटी होती है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। लेकिन अभी ड्यू टू पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना रहेगा, टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, राइट। तो पॉल्यूशन की वजह से अभी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इतना बढ़ गया है कि पॉल्यूशन भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। फिर आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, ये जो सन की जो यूवी रेडिएशन, आपको पता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो ये जो ओजोन लेयर है, ये एक ब्लैंकेट की तरह है, जो कि हमें किससे हेल्प करती है, सनलाइट से, यूवी लाइट, सन के यूवी रेज से बचने के लिए, है ना। लेकिन इस ओजोन में अभी छेद हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते हैं, डीओज में यूज़ करते हैं, तो उसको अवॉइड करना है एंड ओजोन का ख्याल रखना है, राइट। ओके, तो अभी इतना तक था आज का हमारा क्लास। सो वी आर ऑल नर्चर्ड बाई मदर नेचर साइकिल एंड सीजन। जैसे कि हमने देखा, हमारे अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट जियो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, साइकिल्स चल रही है, वाटर साइकिल, देन योर
कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स। तो हम मदर नेचर में किस लिए जिंदा हैं? बिकॉज नेचर के साइज साइकिल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन से, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर मदर नेचर। सो विथ दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू बी ए पार्ट ऑफ आवर ई ट्यूशन फैमिली। डोंट फर्गेट टू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।